Welcome to our digital channel Column Spot. Please don't forget to subscribe and press the bell icon for updated information. Thanks. हाजी गुलाम रसूल की कहानी पाकिस्तान के हर बेरोजगार के लिए हिदायत है। हाजी साहब का ताल्लुक सरकर्दू के आखिरी टाउन स्कूल के साथ है। स्कूल केटू जाते हुए आखिरी पड़ाव है। इसके बाद 8 दिन की पैदल मुसाफत के बाद 20 कैंप आता है। गुलाम रसूल का खानदान पोर्टर था। ये लोग मुहिम चौक का सामान उठाकर 20 कैंप तक पहुंचाते थे। ये भी लड़कपन में पोर्टर बन के और मुहिम चौक का सामान उठाकर 20 कैंप तक पहुंचाने लगे। फितरतन खुददार, आजिज और मेहनती थे। मुहिम चौक से मजदूरी के सिवा कुछ वसूल नहीं करते थे। ये जमकर मेहनत करते रहे और यू पोर्टर से गाइड और गाइड से तहाई बुलंद इलाकों के गाइड बन गए। ब्रॉड पैक भी सर की और जी टू भी ये 2000 में जर्मन मुहिम चौक के साथ स्नो लेक की तरफ गए। टीम में एक जर्मन खातून भी थी। वो इनकी आजसी, मेहनत, लगन और खुददारी से बहुत मुतासर हुई। चनाचा उसने उन्हें शादी की ऑफर कर दी। हाजी साहब ने 3 शर्तें रख दी। एक, निकाह इस्लामी तरीके से होगा। दूसरा, मैं जर्मनी शिफ्ट नहीं होगा, अपने गांव में रहूंगा। और तीसरा, खातून स्कूल के बच्चों के लिए वेलफेयर का काम करेगी। खातून ने तीनों शर्तें मान ली और दोनों का निकाह हो गया। हाजी साहब खातून के सामने जर्मनी के और चंद माह बाद वापस आ गए। खातून ने रकम भिजवाई और गुलाम रसूल ने सबसे पहले स्कूल में छोटी सी डिस्पेंसरी बना ली। इसके बाद उन्होंने स्कर्टू में स्कूल की बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाया, फिर लड़कों के लिए भी हॉस्टल बनाया गया और अब हाजी साहब और उनकी बेगम ने इस्लामाबाद में भी हॉस्टल बना लिया। इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल में पब्लिक स्कूल की इमारत भी खड़ी कर दी। अब सवाल ये है कि हाजी साहब ने हॉस्टल क्यों बनाया? इनका जवाब था कि स्कूल के वालदैन रिहाइश का बंदोबस्त ना होने की वजह से अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए स्कर्दू नहीं बचवाते थे। मैंने हॉस्टल बना दिया जिसके बाद स्कूल के बच्चे तालीम हासिल करने लगे। इस्लामाबाद का हॉस्टल भी आला तालीम के मुतमन्नी बच्चों और बच्चियों के लिए है। मेरे इलाके के बच्चे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं और मैं उन्हें हॉस्टल की सहूलत दे देता हूँ। हाजी साहब चिट्टे अनपढ़ हैं, ये फ़ोन में नंबर भी सेव नहीं कर सकते, लेकिन इस शख्स ने अपना पूरा इलाका बदल कर रख दिया। ये मुझसे पाक होटल में मिलने आए और मैं अकीदत के साथ इनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो ऐन उस वक्त यूनान में कश्ती डूबने की खबर आ रही थी। इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा था कि कश्ती में 400 पाकिस्तानी सवार थे। इनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे जबकि बाकी डूब कर मर गए। वो 400 पाकिस्तानी एक तरफ थे और हाजी गुलाम रसूल दूसरी तरफ थे। आखिर ये शख्स भी पाकिस्तानी है, इसके पास भी तालीम नहीं और ये भी अपने खानदान को खुशहाल जिंदगी देना चाहता था। इसने ये सब कुछ कैसे कर लिया? इसने अपने साथ साथ अपने पूरे खानदान की जिंदगी कैसे बदल ली? ये एक अरब रुपये का सवाल है। हमें ये मानना होगा कि पाकिस्तान में गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी और लाकानूनीत भी, और हमारे मुल्क में सिस्टम भी इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि इस मुल्क में मौके भी कमी नहीं। ये मुल्क अभी ज़ेर तामीर है। हमने 75 बरसों में सिर्फ 4 शहरों में मेट्रो चलाई है और मुल्क को अभी चाय के कप से हवाई जहाज तक हर चीज़ चाहिए। मुल्क में एक तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ आपको अच्छा ड्राइवर, कुक, माली, मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेटर, क्लर्क, हेल्पर, चौकीदार और टीचर नहीं मिलता। पूरा मुल्क बच्चों के लिए ट्यूटर तलाश कर रहा है, लिहाजा मुल्क में मौके का अंबार लगा हुआ है। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर और कराची का हर दूसरा शख्स सेल्फ मेड है और ये चंद ही बरसों में सिर्फ 0 से अरब रुपए तक पहुंचा। मैं इस्लामाबाद में चंद प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और पेंटर्स को जानता हूँ। ये लैंड क्रूजर पर आते हैं और उनकी 10-10 टीमें काम पर लगी है और ये लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। लोग सिर्फ कोयला सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। रावलपिंडी में वेस्पा स्कूटर्स का एक मैकेनिक है, ये लाखों रुपए कमा रहा है, जबकि नौजवान इस ज़ेर तमीर मुल्क को छोड़कर उस मुकम्मल यूरोप में जाना चाहते हैं जिसमें फर्श साफ करने के लिए भी तालीम और तरबियत चाहिए, जिसमें मजदूरी के लिए भी ट्रेनिंग दरकार होती है। और आप अगर एक बार वहाँ चले गए तो फिर उस वक्त तक वापस नहीं आ सकते जब तक आपके कागजात मुकम्मल नहीं होते
और कागजात की तकमील के लिए जुबान, वर्क परमिट और ट्रेनिंग चाहिए। लिहाजा ये लोग यूरोप में सिस्ते रहते हैं और इनके वालदैन बेटे या खावन की राह देखते देखते मर खप जाते हैं। मुझे यूरोप में चंद डेरों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन करें, इनकी कंडीशन नाकाबिले बयान होती है। एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, फर्श पर सोते हैं और पुलिस के खौफ से इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे। ये लोग कागजात के चक्कर में तीसरे दर्जे की खवातीन से शादी भी कर लेते हैं और इनके हाथों ठीक ठाक जलील होते हैं। इन खवातीन में से उनकी औलाद भी पैदा हो जाती है और वो औलाद भी खौफनाक बुहरान पैदा कर देती है। और अगर इस सारी जिल्लत के बाद इन लोगों को कागजात भी मिल जाएं, तो भी ये लोग उस वक्त तक इस कदर जहनी, नफसियाती, रूहानी और जिसमानी अजियतों से गुजर चुके होते हैं कि जिंदगी इनके लिए बेमायने हो चुकी होती है। और ये नसीब भी सिर्फ 1% लोगों को नसीब होता है, जबकि बाकी 99% बॉर्डर कश्तियों और कंटेनरों में ही फौत हो जाते हैं। और ये मौत ये लोग 25-30 लाख रुपए में खरीदते हैं। ये ट्रैक्टर, ज़मीनें, ज़ेवरात और दुकानें बेचकर एजेंटों को रकम देते हैं। उनकी रकमें अव्वल एजेंट खा जाते हैं या फिर उनके बच्चों को लीबिया, तुर्की और लातिनी अमरीका के जंगलों और सहराओं में छोड़ाते हैं। और ये अगर बॉर्डर पुलिस से बच जाए तो ये भूख और प्यास से बिलक बिलक कर मर जाते हैं। मैं हैरान हूँ, पाकिस्तानी नौजवान मौत का ये रास्ता क्यों चुनते हैं? ये अगर पाकिस्तान में 20-30 लाख रुपए से कोई कारोबार शुरू कर ले तो ये दिनों में करोड़ों पति भी बन सकते हैं और इज्जत से वीजा लेकर पूरी दुनिया में घूमने के काबिल भी हो जाएंगे। इन लोगों को ये रास्ते नजर क्यों नहीं आते? दूसरा, ये अगर हर सूरज यूरोप जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी जायज़ और सीधे रास्ते मौजूद हैं। ये लोग मुल्क सेलेक्ट करें और उस मुल्क की जबान सीखना शुरू कर दें। ये सहूलत ऑनलाइन भी मौजूद है। आज गांव का लड़का भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी भी मुल्क की ज़बान सीख सकता है। ये इसके बाद वो काम सीख ले जिसकी इस मुल्क में ज़रूरत है। मसलन स्पेन और इटली में खेती बाड़ी के वर्कर्स की बेतहाशा ज़रूरत है। ये नौजवान ज़री अदारों और यूनिवर्सिटियों से ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता। ये अनपढ़ होने के बावजूद ट्रेनिंग ले सकते हैं और ये इसके बाद इस रकम का सिर्फ 20% बैरून मुल्क वकील या रिक्रूटमेंट को देख कर वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और बाकायदा जहाज़ में बैठकर बाई जा सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल और लंबा है, लेकिन इसमें जान का ख़तरा भी नहीं और रकम भी ज़ाया नहीं होती। और आप लोग ये अपने रोज़ाना के कामों या जॉब्स के साथ साथ भी कर सकते हैं। मगर शायद हम मजमूई तौर पर एक बेवकूफ़ कौम है। हम भेड़ चाल में कुएं में छलांग लगाने वाले लोग हैं, लिहाजा हर 1-2 माह बाद कश्ती डूबने की खबर मिलती है। हम इस पर रोते धोते हैं और फिर अगली कश्ती का इंतज़ार शुरू कर देते हैं। मेरी हुकूमत बिलखसूस ओवरसीज मिनिस्ट्री से दरख्वास्त है, आप मुल्क भर में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पर सेमिनार करें और लोगों को बैरूनी मुल्क जाने और मुलाजमत करने का तरीका बताएं। इससे लाखों जाने भी बच जाएंगी और मुल्क में खुशहाली भी आएगी। मैं स्कर्टू की तरफ वापस आता हूँ। हम स्कर्टू में पहले दिन शुगर गए, हमारा दूसरा दिन कचूरा में गुजरा। स्कर्टू एयरपोर्ट की दूसरी जानब पहाड़ों के अंदर दो खूबसूरत झीलें हैं। बलायू झील अपर कचूरा झील कहलाती है। ये झील कचूरा गांव में वाक़ है और इंतहाई खूबसूरत है। वहाँ सिर्फ 4x4 जीप जा सकती है। रास्ता तंग और ख़तरनाक है, लेकिन आप जब झील के किनारे पहुँच जाते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। झील के रास्ते में चाय खाने और छोटे छोटे होटल्स हैं। कचूरा की चेरी, शैतूत और खुबानियाँ बहुत मशहूर हैं। आपको ये कदम कदम पर मिल जाती है। झील में दर्जन के करीब नदियाँ और नाले गिरते हैं। ये ग्लेशियर्स का ठंडा पानी झील तक पहुँचाते हैं। आपको पूरी वादी में नदियों और नालों का जलतरंग सुनाई देता है। वहाँ दरख्तों की छाँव भी है। लोअर कचूरा इसके बाद आती है और इसमें अपर कचूरा का पानी गिरता है। लोअर कचूरा के साथ दुनिया का मशहूर होटल शंग्रीला है। ये होटल हर्ष की शक्ल में झील के साथ साथ फैला हुआ है और ये अपने सेब के दरख्तों, सब्ज़दारों और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बल्तिस्तान क्या है, अब जब तक उसे देखेंगे नहीं, ये आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी।